नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज अंकुर एंड आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए होंडा की एक न्यू बाइक जो कि एक रिबेल 300 नाम से जो आने वाली है। अब यहां पे फैक्ट ये है कि रिबेल 300 एंड 500 की जो सीरीज है इंडिया से बाहर जो है 2017 के आसपास ये बाइक्स लॉन्च हुई थी, लेकिन अब जो है उस कैटेगरी में जो है इंडिया के अंदर भी होंडा आने वाला है। रॉयल एनफील्ड के लिए जो है कि काफी टफ कंपटीशन होने वाला है अगर होंडा इस सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है तो, बिकॉज ये जो बाइक्स हैं ये 300 सीसी इंजन के साथ में आएगी और साथ ही में आपको एक 500 सीसी के सीरीज के अंदर साथ में भी दोनों बाइक्स मिलेंगी। तो 300 सीसी की जो बाइक आएगी वो की 300 जो CBR थी उसी के इंजन पे बेस्ड होगी, एंड 500 सीसी की जो बाइक अभी इंडिया में कोई भी नहीं है होंडा की, ये एक नए इंजन के साथ में आएगी। लेकिन ये जो बाइक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइन और काफ़ी अच्छे इंजन ऑप्शंस के साथ में इंडिया में आ रही हैं। और यार ये जो बाइक्स हैं दोनों की दोनों क्रूजर सेगमेंट के अंदर जो है बाइक आएंगी और काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा अगर ये बाइक इंडिया में आती है तो, बिकॉज यार होंडा जो है पेट्रोल इंजन के लिए जाना जाता है और होंडा के पेट्रोल इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन होते हैं। और बाइक जो है मैंने ये जो दोनों बाइक्स हैं ये मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं इसके इंटरनेशनली मार्केट वाले, और कुछ वीडियोस मेरे पास में भी अवेलेबल हुए हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम इंस्टाग्राम जिसकी आईडी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, रिबेल जो है 500 बाइक है उसके पास में, और उसी से मैंने जो है ये कुछ वीडियोज लिए हैं। ये जो इस बंदे के पास में जो बाइक है वो एरो एग्जॉस्ट यूज कर रहा है इसके अंदर, लेकिन यार एरो एग्जॉस्ट लगने के बाद में जो साउंड आ रहा है, जो थम्पिंग आ रही है बाइक में, आपको एग्जैक्टली एक बड़ी बाइक की जो है फील देगा। बिकॉज होंडा के जो इंजन है काफी साइलेंट आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये एक जो इंजन से आपको साउंड मिल रहा है, जो इंजन एग्जॉस्ट नॉट मिल रही है वो बहुत ही शानदार एग्जॉस्ट नॉट मिल रही है। तो एक बार आप वीडियो देखिएगा फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। डीबी किलर के साथ में साउंड कुछ ऐसी है, और एक बार डीबी किलर को रिमूव करते हैं देन सुनिएगा। होंडा ने रिसेंटली एक ऑडियो क्लिप जो है टीज किया था जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर होंडा की इस 300 रिबेल जो बाइक है इसका एक शानदार जो है एग्जॉस्ट नॉट अच्छी थंपिंग के साथ में सुनने को मिलेगा। उसके बाद में जो है अब ये सुनने में भी आ रहा है कि ये जो बाइक्स हैं ये इनका शायद कुछ और नेम भी हो सकता है, मे बी एच नेस या फिर हाईनेस के नाम से हैं जो ये बाइक्स इंडिया में लॉन्च हो सकती हैं। और ये होंडा की जो प्रीमियम बाइक शोरूम्स हैं जो कि न्यू अब ओपन होने वाले हैं या कुछ एरियाज में ओपन भी हो चुके हैं बिग विंग्स के नाम से, वहां पे जो है आपको ये बाइक्स मिल पाएंगी। और इसके अंदर जो एंट्री लेवल बाइक होगी वो ये आपकी रिबेल 300 बाइक होगी। अब ये जो बाइक्स है ना ये काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आने वाली है। लो राइडर क्रूजर जो डिजाइन होता है उस क्रूजर डिजाइन के साथ में ये बाइक आएंगी, और विद राउंड जो एलईडी हेडलैम्प्स हैं वो इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। इस बाइक का जो टैंक है वो टीयर ड्रॉप शेप के साथ में आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लगेगा। हैंडल बार की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा रिलैक्स होने वाली, और साथ ही में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, एंड इस बाइक का जो नेगेटिव LCD डिस्प्ले जो है फुली डिजिटल आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा। सो ये जो है क्रूजर के अंदर मॉडर्न टच दिया गया है इस बाइक के अंदर। सबसे बड़ी चीज जो है इस बाइक के टायर्स काफी चंकी जो है ब्रॉड टायर्स इस बाइक के अंदर यूज करे गए हैं। अब ये जो है सारी के सारी इंटरनेशनल फिगर्स हैं। अब ये जो है 30 तक का वेट करते हैं, अब इन्हीं इंटरनेशनल फिगर्स के साथ में बाइक आती है या फिर कुछ कॉस्ट कटिंग करने के बाद में जो होंडा है यहाँ पे कुछ अलग से लेके आता है क्या। सो वेट करते हैं 30 तक का। और अगर इंजन की अगर मैं बात करूं तो जो रिबेल 300 या HNS 300 होगी उसके अंदर जो इंजन है वो BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आएगा, एंड होंडा CB300R जो थी उस बाइक का इसके अंदर इंजन यूज किया जाएगा, लेकिन वो जो ट्यून किया जाएगा एक क्रूजर बाइक के अकॉर्डिंग। सो मे बी आपको जो है उसका लो एंड टॉर्क थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा, और साथ में आपको 30 ब्रेक हॉर्स पावर का जो है इंजन मिलेगा, क्योंकि काफी अच्छे फिगर्स हैं एक क्रूजर बाइक के लिए। और डेफिनेटली अगर आप एक क्रूजर बाइक लेते हैं, अगर आप उस बाइक से 120-130 की स्पीड पे इजिली अगर क्रूज कर सकेंगे तो इससे बढ़िया इस सेगमेंट के अंदर आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, इस बाइक की जो सीट हाइट है वो अराउंड 690 मिलीमीटर की है, तो किसी भी हाइट का बंदा हो
उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं तो इससे बेटर चीज कोई हो ही नहीं सकती अगर आपको ट्यूरिंग पसंद है। तो कुछ इन सब चीजों के साथ में जो है होंडा अपनी न्यू बाइक्स लॉन्च कर रहा है। अभी तक तो सारा फोकस जो है होंडा का 3G 4G 5G एंड 6G पे ही था। फाइनली मे बी होंडा जो है कुछ तो अच्छा लेके आ रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि शायद होंडा जो है अपनी एडवेंचर टूरर है एंड नेकेड जो बाइक्स हैं 500 सीरीज के अंदर वो लेके आए, क्योंकि अभी एडवेंचर टूरर जो बाइक्स हैं उनका क्रेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर। सो इसी के साथ में फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई न्यू बाइक लेने का वेट कर रहे हैं क्रूजर सेगमेंट के अंदर तो थोड़ा वेट करिए, नेक्स्ट मंथ का प्लान करिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूँ आपसे मेरे एक और नए वीडियो में।